बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल यूसी मार्केटिंग पर। आज हम आपको विजिट करवाते हैं डीएचए एक्सप्रेस वे, डीएचए फेज 5, डीएचए फेज 6, डीएचए फेज 7। आजकल इसके ऊपर बहुत तेजी के साथ डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट से मरा यहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग्स, कमर्शियल प्लाजे आप देख सकते हैं, ये काफी ज्यादा तेजी के साथ यहाँ पे हो रही है। काफी ज्यादा लोग यहाँ पे अपने प्लॉट्स के ऊपर बिल्डिंग बना रहे हैं, क्योंकि डीएचए हेड ऑफिस यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद ये एक्सप्रेस वे जो डीएचए की अपनी एक्सप्रेस वे है, अंदर 6 लाइन 120 फुट रोड की, ये 120 फुट ये 6 लाइन जो है जिसके ऊपर काम तेजी से जारी है। यहाँ पे 4 मल्ला और 8 मल्ला के प्लॉट कमर्शियल प्लॉट है, 8 मल्ला के एक्सप्रेस व्यू और 4 मल्ला के बैक साइड पे कमर्शियल प्लॉट्स हैं। ये डीएचए फेज 5 से डीएचए फेज 6 और फेज 6 से होते हुए ये जाएगी आगे फेज 7 तक, इसी तरह कंटिन्यू रहेगी ये। यहाँ तक अगर हम देखें तो ये डीएचए फेज 5 का एरिया है, आगे फिर डीएचए फेज 6 स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर भी 4 मल्ला और 8 मल्ला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं काफी, जिसके अंदर काफी ज्यादा प्लॉट्स हैं। और अभी रिसेंटली डीएचए ने न्यू लॉन्च किए थे, जहाँ पे 4 मल्ला की इस वक्त जो प्राइसेस है बड़ी मुनासिब जा रही है। आपको 2.25 करोड़ में 4 मल्ले का कमर्शियल प्लॉट्स मिल जाता है तकरीबन, और अगर कैटेगरी प्लॉट्स लेते हैं तो वो तकरीबन आपको 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ से लेकर 2.75 करोड़ तक मिल जाता है। 8 मल्ला के प्लॉट्स भी यहाँ पे मुनासिब कीमत पे आपको मिल जाते हैं, 6.5 करोड़ से लेकर 7 करोड़ तक प्राइस 8 मल्ला की भी चल रही है। यहाँ से डीएचए फेज 6 स्टार्ट हो जाता है, सामने ये सारा जो आपको नजर आ रहा है ये डीएचए फेज 6 एक्सप्रेस वे। इसी तरह ये आगे डीएचए फेज 6 के सेक्टर ए से होते हुए B3 और आगे फेज 6 फेज 7 से बिलू बेल सेक्टर और आगे मैग्नोलिया डीएचए फेज 7 के जो बोगन विला का भी न्यू इंटरेस्ट बन रही है, वहां से आउट होगी कलर साइडर रोड से, वहां से आपको जीटी रोड को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये डीएचए फेज 6 के सेक्टर A1, A2 और A3 और रिवर व्यू सेक्टर्स हैं। यहाँ पे डीएचए ने रिसेंटली 4 मल्ला और 8 मल्ला के प्लॉट लॉन्च किए थे, जिसके अंदर काफी ज्यादा अभी इन्वेस्टमेंट लोगों ने की हुई है और मजीद लोग अभी कर रहे हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमसे रब्ता करें, हमारे नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि पीछे जो 8 मल्ला के कमर्शियल ने डीएचए 5 में हेड ऑफिस के पास डीएचए ने तकरीबन वहाँ पे जो प्राइस इस वक्त दी थी वो काफी मुनासिब दी थी, लेकिन इस वक्त जो है वहाँ पे 8.5 करोड़ से लेके 12 करोड़ देकर 8 मल्ले के प्लॉट की प्राइस चल रही है। 4 मल्ला की जो है 3.25 से 3.5 करोड़ चल रही है और काफी ज्यादा अच्छी लोगों को वहाँ पे प्रॉफिट मिला है। इसी तरह ये जो अभी डीएचए ने फेज 6 के अंदर जो लॉन्च किए नए कमर्शियल, यहाँ पे भी इसी तरह है। आगे फ्यूचर में डीएचए मेन अब कमर्शियल लॉन्च करने का प्लान कर रहा है, जो आगे आपको आगे जाके विजिट करवाता हूँ, जगह भी विजिट करवाता हूँ। ये एक्सप्रेस वे आगे कंटिन्यू करेगा, वहाँ पे एक नया सेक्टर लॉन्च करेगा मरीना हब के नाम से, जिसके अंदर कमर्शियल हैवी कमर्शियल काफी बड़े कमर्शियल वहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे और बड़ा सेक्टर होगा कमर्शियल के लिहाज से, क्योंकि यहाँ से अगर डीएचए 5 से ये एक्सप्रेस वे कंटिन्यू करेगी तकरीबन ये 16-17 किलोमीटर का ये जो हाईवे एक्सप्रेस वे हाई बनती है। डीएचए की एक्सप्रेस वे जो हाईवे के साथ कनेक्ट होती है एक तरफ से, दूसरी तरफ कलर सैदा रोड के जरिए जीटी रोड के साथ कनेक्ट होती है। ये मेन आने वाले दिनों में इसके साथ रिंग रोड भी कनेक्ट किया जाएगा, रिंग रोड का फेज 2 जब स्टार्ट होगा, जो 12 कोक से होता हुआ मरी की जो एक्सप्रेस वे उसके साथ कनेक्ट होगा, उधर से मरगला हिल के साथ होते हुए जो हमारा कलर सैदा दूसरा मरगला हिल्स के साथ कनेक्ट होते हुए हजारा एक्सप्रेस वे जो है सी पैक रूट उसके साथ भी कनेक्ट होगा, वहां से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट वाला जो ऑलरेडी फेज 1 बन रहा है। इसके 3 फेजेस बनेंगे, पहले फेज में आपको पता है पहाड़ियां से एयरपोर्ट तक बन रही है और दूसरे फेज में यहाँ से जीडी रोड से कनेक्ट होगी 12 को तक जाएगी और 12 को से तीसरा इसका फेज स्टार्ट होगा। ये पूरी रिंग रोड इस्लामाबाद के साथ कंप्लीट होगी, पहले फेज आपको पता है अभी कंप्लीट हो जाएगा 24 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दूसरा फेज का स्टार्ट होगा जो इसी एक्सप्रेस वे के साथ भी लिंक करेगा। ये एक्सप्रेस वे बड़ी सर्विस कॉरिडोर होगा आने वाले दिनों में, इसके ऊपर हैवी किस्म के कमर्शियल और बड़ी चीजें यहाँ पे एक्टिव होंगी। ये साथ आप सामने देख सकते हैं ये एक्सप्रेस वे, यहाँ से किसी अगर आपने पहले विजिट किया हुआ से 1-2-3 महीने पहले तो यहाँ पे कंटेनर लगे हुए थे, ये एरिया जो है ब्लॉक होता था, बट अभी डीएचए ने रिसेंटली इसके ऊपर जो लिटिगेशन थी वो खत्म होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे हैवी मशीनरी आपके सामने लगी हुई है, ये एक्सप्रेस वे आगे कंटिन्यू करेगी फेज 6 के सेक्टर B3 तक और आगे फिर इसी तरह ये सफर जारी रहेगा। यहाँ पे डीएचए नई लॉन्चिंग करने जा रहा है, अभी कमिंग सून है, यहाँ पे मरीना हब कमर्शियल के नाम से ये न्यू सेक्टर लॉन्च करेगा, कमर्शियल होंगे यहाँ पे बड़े और यहाँ पे आगे भी आपको इसको विजिट करवाते हैं। ये हब कमर्शियल बनेगा डीएचए का, ये फेज 6 का सबसे बड़ा कमर्शियल होगा, यहाँ पे हर किस्म के कमर्शियल एक्टिविटी होगी। ऑलरेडी डीएचए पहले ही हॉस्पिटल की अनाउंसमेंट कर चुका है हेड ऑफिस के पास, हेड ऑफिस यहाँ पे डीएचए का शिफ्ट हो रहा है, उसके ऊपर बिल्डिंग उसकी कंप्लीट होने वाली है। ये जो डीएचए ने रोड बनाई थी बेसिकली ये कनेक्ट करती है आगे सेक्टर C1, C2 और C3 और B3 को और फेज 7 के सेक्टर जितने फेज 7 है उसके तमाम सेक्टर को, ये आगे इसी तरह कंटिन्यू करेगी एक्सप्रेस वे। इधर से आप देख सकते हैं अभी इसको बिल्कुल सीधा कर दिया जाएगा, फ्यूचर में ये एक्सप्रेस वे आगे B3 तक जाएगी मेन एक्सप्रेस वे के साथ।
तो ये आप देख सकते हैं, ये रूट अभी कंप्लीट ओपन हो चुका है, यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं फेज 7 को फेज 6 के सेक्टर B3 C1 C2 को। रिसेंटली DHA ने इसके ऊपर जो सोलो लाइट भी इंस्टॉल कर दी, आगे भी करने जा रहा है। इस वक्त ये एरिया जितना भी है, इस वक्त फेज 6 का हो या फेज 7 का हो, ये हॉट बना हुआ है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। अगर यहाँ पे अभी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 2-3 साल के लिए, आपके पास टाइम है, इन्वेस्टमेंट करें कम प्राइस के अंदर। आप एक नाल की कटिंग यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट जो है B3 के C1 और C2 के अंदर तकरीबन 80 लाख से स्टार्ट होके एक प्लॉट 40 लाख तक आपको प्लॉट्स मिल जाते हैं। इसमें कब्जे वाले प्लॉट्स भी हैं, रेडी प्लॉट्स भी हैं, अगर आप फॉरन घर बनाना चाहते हैं तो वो वाले प्लॉट भी आपको एक नाल के मिल जाते हैं। तो सबसे अच्छी और सबसे सस्ती इन्वेस्टमेंट इस वक्त DHA फेज 6 के सेक्टर B3 के अंदर है, C2 के अंदर है। रेडी प्लॉट अपनी च्वाइस का प्लॉट लें और अपनी मर्जी का घर बनाना चाहते हैं तो फॉरन बनाएं, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको नजर आएगा यहाँ से भी फेज 6 का सेक्टर B3 और ब्लू बेल सेक्टर भी यहाँ से नजर आता है, बिल्कुल इजी एक्सेस से। आने वाले दिनों में यहाँ से आगे रोड बनेगी, अभी फिलहाल हम इस रोड को इस्तेमाल कर रहे हैं जो अभी आपके सामने है, लेकिन आने वाले दिनों में एक्सप्रेसवे जो सीधी है वो बिल्कुल कनेक्ट करेगी फेज 7 को। यहाँ से आगे आपको डोचा रोड जो है सरकारी रोड है, इसको एक्सटेंड किया है DHA ने फिल फोर, ताकि यहाँ से ट्रैफिक जो है वो जा सके। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये मेन एक्सप्रेसवे इसी तरह कनेक्ट करेगी। यहाँ से आप देख सकते हैं सेक्टर B3 C2 और C3 को और DHA फेज 7 और DHA होम्स को, यहाँ से ये रूट जाता है, ये वाला रास्ता जाता है। तो ये हम आ चुके हैं DHA फेज 6 के सेक्टर C1, यहाँ से आगे आप साइन बोर्ड भी देख सकते हैं, ये रिसेंटली DHA ने इंस्टॉल किए हैं। यहाँ से आगे हम C1 C2 और C3 DHA होम और उसको कनेक्ट करेंगे। सामने अगर सीधा जाते हैं तो कोटा रोड को जाएंगे, यहाँ से हम इन हो जाएंगे DHA फेज 6 के अंदर दोबारा से। तो ये एक नया रास्ता बना है अभी रिसेंटली, आपको पहले भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा विजिट हो चुके हैं लेकिन अभी रिसेंटली इसको फ्रेश मुकम्मल रोड ब्लैक टॉप और साइन बोर्ड इसके ऊपर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। आप आना चाहें यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हैं कलर सहिदा रोड को DHA फेज 7। ये B3 सेक्टर C1 अभी C2 यहाँ पे ये सारे सेक्टर्स, अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बड़ा सेक्टर है वो B3 है, जिसके अंदर रिसेंटली 1200 प्लॉट्स का कब्जा दिया गया। इसमें C2 के भी प्लॉट्स हैं, यहाँ पे मस्जिद बन रही है, यहाँ पे ओवरहेड टैंक बन रहा है, कमर्शियल मार्केट शॉप्स बना दी गई हैं ऑलरेडी, यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑफिस भी बना दिया गया है B3 के अंदर अभी, और न्यू जो है अभी प्लॉट्स यहाँ पे कब्जा दे दिया गया है। आप अपना प्लॉट अभी खरीद के अभी अगर घर बनाना चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं। एक नाल का प्लॉट आपको बिल्कुल तकरीबन समझ लें कि 5 मल्ला DHA की जो प्राइस है, 5 मल्ला का प्लॉट 125 लाख रुपए का प्लॉट है, 1 करोड़ 25 लाख रुपए का प्लॉट है DHA 5 के अंदर 5 मल्ले का, और यहाँ पे आपको एक कनाल का प्लॉट मिल जाएगा 1 करोड़ 25 लाख में, बेहतरीन अपनी चॉइस का प्लॉट। ये साइन बोर्ड आप देख सकते हैं सामने, यहाँ से फिर 7 को कनेक्ट करते हैं आप, B3 को कनेक्ट करते हैं आप, C2 को कनेक्ट करते हैं, ये पूरा जो सेक्टर है B3 नीचे कमर्शियल एरिया, कमर्शियल शॉप्स, ओवरहेड टैंक, मेंटेनेंस ऑफिस, मस्जिद, पार्क, सारी चीज़ें इसमें ऑलमोस्ट पार्क वगैरह के ऊपर काम हो रहा है, ओवरहेड टैंक के साथ काम हो रहा है पाइप के अंदर। तो यहाँ पे आपको ये सिक्योरिटी ऑफिस, यहाँ पे सामने सिक्योरिटी का ऑफिस बन रहा है, मेंटेनेंस ऑफिस बन रहा है, और ये जो सारा एरिया आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे कमर्शियल शॉप्स बना दी गई हैं, ये ओवरहेड टैंक बन रहा है, यहाँ पे साथ ही मस्जिद की जो है बेस बनाई जा रही है, ओवरहेड टैंक काफ़ी बन चुका है। तो ये आगे 6-8 महीने के अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी इंशाल्लाह, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा एरिया आपको डेवलप नज़र आता है, स्ट्रीट्स रोड्स हर जगह पे आपको डेवलपमेंट होती हुई नज़र आएगी, कंप्लीट ये एरिया डेवलप है। फॉरन प्लॉट अपनी चॉइस का भी आप प्लॉट ले सकते हैं, 8 कनाल का प्लॉट, इस वक्त 5 मल्ले का 8 मल्ले का प्लॉट की प्राइस भी इससे ज़्यादा है, यहाँ पे 1 कनाल का प्लॉट आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो ये मौका है इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी करें, अगर घर फ्यूचर में बनाना चाहते हैं तो अभी से लेके प्लॉट रख लें, शायद आपको कनाल का अगर प्लॉट अभी परचेज करें इंस्टॉलमेंट वाला भी तो उसकी भी 80-90 लाख रुपए डाउन पेमेंट प्लस बन जाती है। तो यहाँ पे आपको क्लियर प्लॉट, ना इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, ना कोई डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ेंगे, कोई एक्स्ट्रा पे आपको नहीं करना पड़ेगा, और आप यहाँ पे 1 कनाल का प्लॉट तकरीबन 1.25 करोड़ में खरीद सकते हैं। सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है इस वक्त ये DHA फेज 5 सेक्टर B3 DHA फेज 6 सेक्टर B3। कमल डेवलप सेक्टर है, तमाम तरह सहूलतें यहाँ पे आ चुकी हैं, अभी मजीद अभी आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो फिर आप शायद ये मौका हाथ से गवा दें, लेकिन अभी बेहतरीन टाइम है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। पूरा सेक्टर डेवलप है, आपको हर तरफ से इसके अंदर डेवलपमेंट होती हुई नजर आएगी, यहाँ पे पार्क छोटे, इस सेक्टर B3 के अंदर तकरीबन 4 पार्क हैं, एक बड़ा सेंटर पार्क है और 3 छोटे पार्क हैं, पार्क के अंदर भी अभी डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ है।
ये आप विजिट कर सकते हैं इसको, एनी टाइम आप विजिट करना चाहें विजिट कर सकते हैं, प्लॉट अपनी पसंद का ले सकते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रही हर तरफ, यहाँ पे अभी जो छोटे मोटे काम हैं जो छोटे काम हैं उसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, ये इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ ये सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे, रोडें वगैरह क्लियर हो जाएंगी। तो अभी सस्ते प्लॉट हैं, कम प्राइस पे हैं, अभी आप परचेज कर सकते हैं। ये DHA का सेक्टर B3 का सेंटर पार्क है, सबसे बड़ा पार्क है B3 का, इसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है, आपको दिखाते हैं ये सारी डेवलपमेंट इसके अंदर हो रही है, तकरीबन 1-1.5 महीने के अंदर ये पार्क तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर पार्क फेसिंग आप बेहतरीन प्लॉट अपनी मर्जी का पसंद करके लेते हैं तो अभी आपको यहाँ पे चांस है कि प्लॉट मिल जाए, लेकिन आने वाले दिनों में यही प्लॉट आपको 2 करोड़ 2.25 करोड़ से कम नहीं मिलेंगे। अभी आप कम कीमत पे यहाँ पे अपनी मर्जी का प्लॉट ले सकते हैं। ये सेंटर पार्क बड़ा खूबसूरत पार्क है, DHA का जो बनने जा रहा है, इसके अंदर तमीर हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्क बन रहे हैं। ये सारी गलियां जितनी स्ट्रीट्स आपको नजर आ रही है सारी डेवलप हैं, सारे यहाँ पे प्लॉट्स अपनी मर्जी का पसंद करके हाइट का लोकेशन का प्लॉट आप ले सकते हैं। बेहतरीन अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे बेहतरीन ये लोकेशन है। DHA फेज 5 सेक्टर B3 का आपको विजिट करवा रहे हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं तमाम प्लॉट्स डेवलप हैं, स्ट्रीट्स डेवलप हैं, रोड डेवलप हैं, और यहाँ पे इसके अंदर पार्क के अंदर काम हो रहा है, तकरीबन फुली डेवलप सेक्टर है।